गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी एस इन द स्कूल। माइसेल्फ स्वाति महावर। टुडे वी स्टार्ट इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 10, चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कम टू पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 के लास्ट सेकंड पैराग्राफ के ऊपर हम लोग थे। कम टू द पेज। GDP वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों सेक्टर्स के इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिए थे। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स हम पढ़ रहे थे। नाउ कम टू द पैराग्राफ। इन द पास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों के अंदर, देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब सिनेरियो जो है कंट्री का, वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। लोग सेकेंडरी सेक्टर से कहाँ आते जा रहे हैं, टर्सरी सेक्टर से आते जा रहे हैं, ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो। द सर्विस सेक्टर हैड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन के बिहाफ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस सेक्टर, क्योंकि यही सर्विस अवेलेबल कराता है कि प्रोडक्शन जो है वो अपने डेस्टिनी तक पहुँच सके। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। जो वर्किंग पीपल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादातर कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप कंट्री। बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ये मेन पैटर्न होता है कि मेनली लोग कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर। वट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया। ओवर द ईयर्स हैव बीन देयर चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप कंट्रीज, वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर इंडिया के अंदर, कि तीनों का क्या रोल है इंडिया के अंदर। नाउ सी दिस फ्लो चार्ट। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर जो यहाँ पर ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर किसका है, प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है। जो यहाँ पर येलो कलर है वो किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का है। और जो पर्पल कलर है वो किसका है, टर्जरी सेक्टर का। तो सबसे कम यहाँ पर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। अगर हम 2010 to 2011 की बात करते हैं, 10 to 11 की हम बात करते हैं, तो सबसे कम क्या है, प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा क्या है, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर। और सबसे ज़्यादा क्या है, सर्विस सेक्टर। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सर्विस सेक्टर। फिर उससे थोड़ा कम सेकेंडरी सेक्टर, फिर उससे थोड़ा सा कम क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया। ये कब की बात हो रही है, 2010 to 2011। अगर इससे पहले की हम बात करते हैं, 1970 to 1971, अगर हम 1970 to 1971 की बात करते हैं, तो ये थर्ड जो सेक्टर है वो कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर, ग्रीन वाला। तो प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा है, उससे कम क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, और उससे थोड़ा ज़्यादा क्या है, सर्विस सेक्टर। तीनों सेक्टर्स में यहाँ पे सबसे प्राइम नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है, प्राइमरी सेक्टर आता है, अगर हम 1970 to 1971 की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा आएगा, प्राइमरी सेक्टर। और अगर हम 2010 से 2011 की हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्विस सेक्टर। यानी कि प्राइवेट सेक्टर का सिनेरियो आने वाले सालों के अंदर किसके अंदर चेंज हो गया, सर्विस सेक्टर के अंदर। आया आप लोगों के समझ में। पहले तो देखो तीनों सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन कितना कम था, सिर्फ यहाँ पे करोड़ की बात हो रही है, तो 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक ही था ये। लेकिन उसके बाद ये कितना हो गया, 50 लाख करोड़ के अंदर जा कर के ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। समझ में आया आप लोगों के ये। नाउ Why is the tertiary sector becoming so important in India? अब ये important क्यों होता जा रहा है, there could be several reason. Number one, in any country, several services such as hospital, educational institution, post and telegraph services, police stations, courts, village administration services, municipal corporations, defense, transport, bank, insurance companies, etc. are required. ये सारी सर्विसेज ऐसी हैं कि अगर ये बंद हो जाए तो इकोनॉमी चलना क्या कर देगी, बंद कर देगी। कोई भी अपना काम, जैसे एक दिन के लिए बैंक बंद हो जाती है तो हमारे कितने सारे काम रुक जाते हैं, हमसे ज़्यादा तो किसके काम रुक जाते हैं, जो बिज़नेस क्लास है, जो सर्विस क्लास है, उनके काम ज़्यादा रुकते हैं। जो हाउस होल्ड है वो तो, उनका तो इतना ज़्यादा रोल होता नहीं है। तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, ज़्यादातर इफेक्टिव होते हैं, और इन सेक्टर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है इकोनॉमी के अंदर। और ये सारे सेक्टर्स किसके अंदर आ जाएंगे, सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। आए आप लोगों के समझ में। नाउ दीज कैन बी कंसिडर्ड एज, और इन इंडस्ट्रीज़ को क्या कहा जाता है, बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये ही मेन इंडस्ट्रीज़ होती है जिसके बिहाफ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिसके बिहाफ पे हम प्रोडक्शन करते हैं। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर
जो ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इकोनॉमी की वो किसके ऊपर होती है, इन सर्विसेज के ऊपर होती है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री कौन से होते हैं जो धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हैं, तो मेन फोकस उनका किसके ऊपर होता है, सर्विस सेक्टर के ऊपर होता है, क्योंकि यही उनको आगे जाके क्या बनाएगा, डेवलप्ड बनाएगा। आया आप लोगों के समझ में? ये राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेजरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, ये इसी का है जो मैंने आपको अभी ये ग्राफ एक्सप्लेन किया, इसी का रिटन फॉर्म है ये। नाउ तो ये मत सोचना कि मैम ने ये नहीं पढ़ाया, तो ये मैंने आपको ऊपर ग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो अब सेकेंड डेवलपमेंट जो होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है उस सर्विस सेक्टर की वजह से ही होता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज और इनका डेवलपमेंट होगा, यानी कि किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी का डेवलपमेंट हो जाएगा। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। अब प्राइमरी और सेकेंडरी का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, यानी डिमांड किसकी ज़्यादा हो गई, सर्विस सेक्टर की ज़्यादा हो गई। समझ में आया आप लोगों को? तो एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी तीनों सेक्टर्स एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक सेक्टर का डेवलपमेंट होता है तो साथ में दूसरे सेक्टर का भी डेवलपमेंट होता है। थर्ड, एज इनकम लेवल राइज, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज, स्पेशली इन बिग सिटीज। ठीक है, अगर हमारे हाथ में पैसा आ जाएगा तो हमारी डिमांड्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दाल रोटी खाने वाले लोग क्या खाने लग जाएंगे, बर्गर पिज़्ज़ा खाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, मनी आ जाएगा। अगर हमारा इनकम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि अगर हमारा मनी इंक्रीज़ हो जाता है, मनी इन हैंड जो हमारे आता है वो अगर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बाहर का हम खाने लग जाएंगे, ईटिंग आउट यानी कि बाहर का हम खाने लग जाएंगे, घूमने जाने लग जाएंगे, शॉपिंग ज़्यादा करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों बोला यहाँ पे, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह हम कहाँ जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ने लग जाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज हम लेने लग जाएंगे, और सभी चीज़ें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमारा पूरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हमारी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये चीज़ें कॉमनली हमें कहाँ देखने को मिलती है, बिग सिटीज़ के अंदर देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट, ओवर द पास्ट डिकेड और सो, सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। अब आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज स्कूल्स ओपन नहीं है, उसके बाद भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, कंटेंट दे रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, हर चैप्टर का नोट्स आपको मिल रहा है, मटेरियल आपको मिल रहा है, तो सिर्फ किसकी वजह से मिल रहा है, ये टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही मिल रहा है। अगर ये टेक्नोलॉजी ना हो तो हमारा कन्वर्सेशन ही नहीं होगा। ठीक है, इस टैरेंट टाइम के अंदर भी टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो ये सारा जो भी आज स्टैब्लिश हुआ है वो सब किसकी वजह से हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ है। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैव बीन राइजिंग रैपिडली। अब ये सभी सर्विसेज का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि हमारा देश हमेशा बढ़ता ही है, पीछे तो जाता नहीं है, हम आगे ही जाते हैं, फॉरवर्ड ही जाएंगे, डेवलपमेंट ही होगा। इन चैप्टर फोर वी शैल सी एग्जाम्पल ऑफ दीज न्यू सर्विसेज एंड द रीजन्स फॉर देयर एक्सपेंशन। However, you must remember that not all the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kind of people. Service sector के साथ में जैसे जैसे service sector grown up होता जाता है, वैसे वैसे लोगों का employment भी क्या होता है, increase होता जाता है, क्योंकि service sector क्या देता है, लोगों को employment देता है, नौकरी देता है, रोजगार देता है। At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है वो किसको मिलता है, स्किल्ड और एडुकेटेड। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको टेक्निकल हो, आपको स्किल आता है, तो ही आप यहाँ पर काम कर सकते हो, नहीं तो आप कहाँ जाके काम करोगे, एग्रीकल्चर या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जा कर के काम करोगे। अगर आप अपडेटेड हो, एडुकेटेड हो, स्किल्ड हो, तभी आप इस सेक्टर के अंदर आ सकते हो। इसलिए तो पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो,
पढ़ाई करो। एट द अदर एंड देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा। और ज़्यादातर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कहाँ होते हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर दुकानें, जैसे कितनी शॉप्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, हर गली के अंदर एक शॉप हमको मिल जाता है, एक जनरल स्टोर हमको मिल जाता है। रिपेयर पर्सन जो होते हैं उनका ज़्यादा वर्किंग होता है, ट्रांसपोर्ट पर्सन का ज़्यादा वर्किंग होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना ट्रांसपोर्टेशन के पॉसिबल नहीं है, चाहे आप ट्रेड करो चाहे एग्रीकल्चर करो। दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम। अब ये सर्विसेज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छा लाइवलीहुड है इनका, बहुत अच्छा अर्न करती है, क्योंकि इनकी जगह पे कोई दूसरा अल्टरनेटिव लोगों के सामने नहीं है। अगर कोई सर्विस करने वाला भी पर्सन है, अगर उसको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो उसको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। बिना ट्रांसपोर्ट के वो एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता है। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस, यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से इस पार्ट के अंदर क्या होता है, इस सेक्टर के अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो ये पार्ट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, आगे का जो चैप्टर है वो हम इसके नेक्स्ट यानी कि थर्ड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे, फोर्थ पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ये आपका थर्ड पार्ट है, क्लियर टू यू? सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ।